लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पद त्यागने की जिद पर अड़ गए हैं, वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के त्याग पत्र के बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर पर त्याग पत्र का दबाव बढ़ गया है। हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति के लिए पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष पर लग रहे आरोप तेज हो गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की दुर्गति के लिए कांग्रेसियों ने तंवर पर संगठन को खड़ा करने में नाकाम रहने का ठीकरा सरेआम फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए संगठन न होने की वजह गिनवाने का डंका बजा रहे हैं। हरियाणा में पिछले 5 साल से जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है। कांग्रेस के नेता संगठन खड़ा न होने का दोषी प्रदेश अध्यक्ष को ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में सोनीपत से 1.5 लाख वोटों से हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस का संगठन न होने का रोना रोया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलकर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न होना प्रदेश में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा। इसी तरह सोनिया गांधी की करीबी माने जाने वाली कुमारी शैलजा ने भी अंबाला से करारी हार के बाद मुंह खोल दिया और कांग्रेस की हार का ठीकरा संगठन ना होने के कारण अशोक तंवर के सिर फोड़ दिया। हालांकि कुमारी शैलजा आसानी से कांग्रेस के नेताओं के कामकाज पर टीका टिप्पणी नहीं करती, लेकिन अंबाला से हार के दंश ने उनका मुंह भी खुलवा दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि यदि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो चुनाव में प्रदेश में हालात ही कुछ और होते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कांग्रेस नेताओं से लेकर विधायक तो पहले ही हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव का राग पिछले काफी समय से अलाप रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने तो इन कांग्रेसियों की सुनी ही नहीं, उल्टा अशोक तंवर की पीठ थपथपाने में ही लगा रहा। हरियाणा में पिछले 5 साल से कांग्रेस का जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर संगठन ना होने के कारण कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाने के बजाय गुटबाजी की शिकार बनी रही। जबकि हरियाणा में कई बार ऐसा माहौल बना जब जनता यह कहने लगी कि भाजपा सरकार को सत्ता देकर गलती हो गई। जनता में इस प्रचार के बाद भी सरकार विरोधी दल प्रदेश में जनता की नब्ज पकड़कर चलने की जगह अपनी पार्टी की फूट में ही उलझे रहे। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और अजय यादव अपनी चौधर दिखाने के लिए जनता के बीच रैलियों के माध्यम से ताकत दिखाने का खेल ही करते रहे, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलने की बजाय कांग्रेस की जुतम पजार जनता के सामने आ गई। हरियाणा में भाजपा सरकार में 3 बड़े कांड हुए, जिनमें हरियाणा जला, जाट आरक्षण आंदोलन की आग ने तो प्रदेश में आपसी भाईचारे को झुलसा दिया। सरकार कई मामलों में नाकाम रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में असली विपक्ष की आवाज़ नहीं बन सकी, जबकि इनेलो में टूट के बाद तो कांग्रेस पर विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने की अधिक जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता अपनी डफली, अपना राग ही गाते बजाते रहे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बरसों बाद हुई दुर्गति के लिए भले ही कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादुई बयानबाजी के करिश्मे को देते रहे, लेकिन वह हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हालत की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कांग्रेस की इस हालत के लिए कांग्रेस हाईकमान भी अपना दोष नहीं छिपा सकती, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान समय पर कांग्रेसियों की जूतम पजार पर लगाम लगाकर जनता के हितों को सर्वोपरि लेकर चलने का संदेश दे सकता था। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने राहुल गांधी कहीं टिक ही नहीं पाए और वह अपनी घोषणाओं और वक्तव्यों से जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए। अपनी इस विफलता को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से त्यागपत्र देने की पेशकश की। इस पेशकश को राहुल गांधी के वफादार अस्वीकार कर उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने की मिन्नतें करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी की दुर्गति के लिए अपनी गलती मानकर त्यागपत्र देने की जिद पर अड़ गए हैं। नैतिकता को सर्वोपरि मानते हुए राहुल गांधी के त्यागपत्र देने के निर्णय को देखते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मौजूदा हालत में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पर भी प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से पराजय के चलते त्यागपत्र देने का दबाव बढ़ गया है। वैसे भी अशोक तंवर के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं उन्हें कांग्रेस को पराजय का ही सामना करना पड़ा है। देखना है कि अशोक तंवर कांग्रेस की दुर्गति की अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देते हैं या फिर पद के मुँह में फंसकर कुर्सी पर ही चिपके रहेंगे। MS निर्मल, आज न्यूज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।